दिस इज 92.7 बिग एफएम। स्वागत है इस प्रोग्राम को सुनने वाले सभी श्रोताओं का। वेलकम टू सुहाना सफर विद अनु कपूर। आज जिन कहानियों को आपको सुनाऊंगा उनकी झलक कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले फिल्म कालिया के एक डायलॉग को लेकर डायरेक्टर टीनू आनंद और अमिताभ बच्चन में हो गया मतभेद। नौबत यहां तक आ गई कि अमिताभ ने फिल्म छोड़ने तक की बात कह डाली। कौन सा था ये डायलॉग और क्या थी ये प्रॉब्लम, हल हुई? खुलासा होगा आज के शो में। उसके बाद जीतेंद्र के पहले स्क्रीन टेस्ट की कहानी, जिसके बाद उन्हें मिली फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। तीसरे नंबर पर होगा सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए, जिसमें 92.7 के लिसनर्स को कॉल करके उनसे बातचीत करेंगे। चौथे नंबर पर दिल ने फिर याद किया, आज याद करेंगे 50 के दशक की एक्ट्रेस जबीन जलील को। पांचवें नंबर पर होगी एक कहानी सुनील दत्त से जुड़ी हुई, किस तरह सुनील दत्त अपने काम के प्रति समर्पित थे, इसके बारे में बताऊंगा। और अंत में होगा 92.7 बिग एफएम के हमारे श्रोता का एक सवाल। आज पूछा गया है कि फिल्म श्री 420 का जो गाना है रमैया वस्तावैया, इसमें रमैया वस्तावैया का क्या कोई मतलब है या ऐसे ही वर्ड है? तो ये सब बताऊंगा आज के इस सफर में। तो आइए अपने ऑफिस के सफर को, अपने जीवन के सफर को सुहाना बनाने के लिए शुरू करते हैं। डायरेक्टर टीनू आनंद और अमिताभ बच्चन एक दूसरे को फिल्म साथ हिंदुस्तानी के समय से जानते थे, मगर दोनों ने पहली बार साथ काम किया 1981 की फिल्म कालिया में। इस फिल्म को टीनू आनंद ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की स्टोरी भी टीनू आनंद की थी। स्क्रीन प्ले लिखा था टीनू आनंद, संतोष शाह और ताहिर ने। फिल्म के डायलॉग लिखे थे टीनू आनंद के पिता इंदर राज आनंद ने, जो कि एक बहुत मशहूर प्रतिष्ठित डायलॉग राइटर थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ इंदर राज आनंद के लिखे एक डायलॉग को लेकर कन्विंस नहीं थे। उनके हिसाब से वो डायलॉग पूरी कहानी से मेल नहीं खाता था, बेमेल था, और उन्हें लगा कि इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। ये डायलॉग था, तू आतिशे दोजख से डराता है जिन्हें, वो आग को पी जाते हैं पानी करके। मगर टीनू के हिसाब से ये डायलॉग जरूरी था। दोनों के बीच इस डायलॉग को लेकर बहस होने लगी और बात यहां तक पहुंच गई कि अमिताभ ने टीनू आनंद से कह डाला कि अगर वो ये डायलॉग फिल्म में रखना चाहते हैं तो भैया किसी और एक्टर को ले लो। इधर टीनू ने कहा कि डायलॉग हटा तो वो ये फिल्म ही डायरेक्ट नहीं करेंगे। जब अमिताभ ने देखा कि टीनू अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है, तो इन्होंने टीनू से कहा कि तुम फिल्म के डायरेक्टर हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात मानकर इस डायलॉग को बोल रहा हूं, मगर मेरा दावा है कि दर्शक इसे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। अगर लोगों को ये पसंद आ गया तो मैं एक्टिंग ही छोड़ दूंगा। ऐसा अमिताभ बच्चन ने टीनू आनंद को कहा। फिल्म रिलीज हुई और दर्शकों को ये डायलॉग बहुत पसंद आया, खूब तालियां बजती थी। ये देखकर अमिताभ बच्चन गलत साबित हुए और टीनू आनंद सही। एज ए हीरो जीतेंद्र की पहली फिल्म थी गीत गाया पत्थरों ने। जीतेंद्र को जब इस फिल्म के स्क्रीन टेस्ट का बुलावा आया तो उनके मन में खुशी से ज्यादा डर बसा हुआ था, और डर की वजह यह थी कि वो वी शांताराम की कंपनी में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया करते थे और एक्टिंग वैक्टिंग से उनका कुछ लेना देना नहीं था। मन ही मन लग रहा था कि कहीं वो स्क्रीन टेस्ट में फेल ना हो जाए, फेल हो गए तो ये बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। ऐसे में उन्हें याद आई अपने दोस्त राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना जीतेंद्र के स्कूल के दिनों से ही दोस्त हुआ करते थे। बोले मदद कर, तो राजेश खन्ना ने इस स्क्रीन टेस्ट के लिए जीतेंद्र की मदद की तैयारी करवा दी। अच्छी मराठी बोलते थे पंजाबी होते हुए भी, इस बात से वी शांताराम बहुत इंप्रेस थे, इसलिए राजेश खन्ना ने मराठी और हिंदी में भी कुछ डायलॉग तैयार करवा दिए जीतेंद्र को। जीतेंद्र को पूरा यकीन था कि उन्हें अपनी मर्जी से डायलॉग बोलने को कहा जाएगा और वो बोल देंगे, मगर हुआ कुछ उल्टा। शांताराम ने उन्हें हिंदी और मराठी में डायलॉग ना देकर संस्कृत के कुछ डायलॉग बोलने को दे दिए। संस्कृत के डायलॉग देखकर जीतू साहब के हाथ पैर फूल गए और घबराहट में डायलॉग बोलने शुरू तो किए, कोशिश की, लेकिन मुंह से आवाज ही नहीं निकली। जीतेंद्र को हताश और परेशान देख शांताराम ने उन्हें थोड़ी देर
रिलैक्स करने को कहा और कहा रिलैक्स कर लो फिर बोल लेना। थोड़ी देर के बाद जितेंद्र आए, रिलैक्स तो थोड़े से हो गए थे लेकिन फिर भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और जितेंद्र को लगा कि ये फिल्म उन्हें कभी नहीं मिलेगी, चलेगी, मौका चला गया। लेकिन किस्मत में तो कुछ और लिखा था, किस्मत ने उन्हें इस फिल्म में हीरो का रोल दिलवा दिया। फिल्म थी गीत गाया पत्थरों ने और जितेंद्र का हीरो बनने का सपना पूरा हो गया। और अब समय है उन लोगों से बात करने का जो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा नंबर 02239927927, इस सेगमेंट में जिसका नाम है तुमने पुकारा और हम चले आए। देखिए ये फोन बज रहा है, कोई कॉल कर रहा है। हेलो नमस्कार, मैं 92.7 बिग एफएम से अन्नु कपूर अर्ज कर रहा हूँ। ओ हाउ नाइस, थैंक यू सो मच सर, स्पीकिंग टू यू सर। जी आप अपना परिचय दें। मैं श्यामला अय्यर बात कर रही हूँ सर। कहाँ से? सर मैं पुणे से बात कर रही हूँ सर। जी 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 जी। आई एम MBA सर, आई एम फेवरेट फैन ऑफ योर सर। थैंक यू सो मच। विदाउट फेल आई डोंट मिस योर प्रोग्राम। कोई गाना सुनना चाहती हैं आपकी पसंद का तो वो मैं बजा दूंगा यहाँ पर, कोई सुनना चाहती हैं? सर मेरा मैं पुराना गाने की बहुत शौकीन सर, मेरा हिंदी इतना अच्छा ठीक नहीं सर। तूफान और दिया से गाना सर, सुने वो सिंगर? तूफान और दिया, यस सर, मन्नाडे। हाँ हाँ, निर्बल yes, से yes, लड़ाई yes, बलवान yes, की yes, ये yes, कहानी है दिए yes, की sir. और तूफान yes, की sir. यही ना yes, अरे रे 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 रे। थैंक यू सो मच सर, नाइस स्पीकिंग टू सर, थैंक यू सर। बात खूबसूरत अदाकारा जबीन जलील की। जबीन का ताल्लुक बहुत सभ्रांत और आलिम फाजिल खानदान से था। उनके दादा सैयद मौलवी अहमद कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाले पहले बंगाली मुसलमान थे। पिता सैयद अबू अहमद जलील उस जमाने में ICS अफसर थे। उनकी माँ दिलारा जलील भी बहुत शिक्षित महिला थी। ताल्लुक लाहौर के मशहूर फकीर ब्रदर्स के खानदान से था। जबीन का जन्म 1 अप्रैल 1937 को दिल्ली में हुआ लेकिन महज 2 महीने की उम्र में उनके पिता के ट्रांसफर के चलते वो जापान चली गई। 4 साल जापान में गुजारने के बाद जबीन के पिता कंट्रोलर ऑफ टेक्सटाइल बनकर आ गए बंबई। यहाँ नाना चौक स्थित क्वीन मैरी स्कूल में जबीन की पढ़ाई शुरू हुई। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद जबीन ने एल्फिस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज के ड्रामा कंपटीशन में एक नाटक नेक परवीन में रोल करते हुए जबीन पर नज़र पड़ी उस जमाने के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर SM यूसुफ और उनकी पत्नी निगार सुल्ताना की। ये दोनों वहां जज बनकर आए थे। यूसुफ ने ही उन्हें अपनी फिल्म में हीरोइन का रोल ऑफर कर दिया। इस तरह 1954 की फिल्म गुजारा से जबीन का फिल्मी सफर शुरू हुआ। इसमें उनके हीरो थे करण दीवान। फिल्म तो नहीं चली लेकिन जबीन का काम पसंद किया गया। जबीन प्रोड्यूसर्स की नजरों में आ गई, उन्हें फिल्मों में काम मिलने लगा। 1955 में उनकी दूसरी फिल्म रिलीज हुई लुटेरा, हीरो थे नासिर खान। लेकिन जबीन को असली पहचान मिली उनकी तीसरी फिल्म न्यू दिल्ली से। मोहन सहगल की इस फिल्म में उन्होंने किशोर कुमार की बहन निक्की का रोल किया था। इस फिल्म में जबीन के अपोजिट थे नलिनी जयवंत के पति प्रभुदयाल और ये फिल्म उस दौर की बहुत कामयाब फिल्मों में से एक फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने जो फिल्में की उनमें प्रमुख थी चारमीनार, फैशन, जीवन साथी, रागनी, बेदर्द जमाना क्या जाने और रात की राही। 60 के दशक में आई उनकी फिल्म ताजमहल में जवाहर कौल और उन पर फिल्माया गीत ये रात ये फिजाएं फिर आए ना आए बहुत पॉपुलर हुआ था। 1962 में आई पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी प्राप्त हुआ। इसमें उनके हीरो थे प्रेम चोपड़ा। ये प्रेम चोपड़ा की डेब्यू फिल्म थी। जबीन ने देवानंद के अपोजिट भी काम किया एक फिल्म में, टाइटल था हम और तुम, मगर यह फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। इसके अलावा जबीन को डायरेक्टर BR चोपड़ा ने फिल्म नया दौर के लिए भी अप्रोच किया था मगर पैसों को लेकर बात नहीं बनी और बाद में यह रोल कुमकुम को मिल गया। फिल्म बारादरी में भी 15 दिनों की शूटिंग के बाद जबीन को हटाकर वैजंतीमाला को ले लिया गया। इस तरह कई अच्छी फिल्में उनके हाथ से निकलकर दूसरों के हाथ में जाती रहीं।
1967 में जबीन की मुलाकात अशोक काक से हुई। अशोक उनके भाई के दोस्त थे। दोनों पहली ही मुलाकात में एक दूसरे को दिल दे बैठे। अलग धर्मों के कारण शुरुआती दिक्कतों के बाद दोनों ने 1968 में शादी कर ली। शादी के बाद जबीन को फिल्मों में काम करने में किसी ने रोका टोका नहीं। फिर भी अपने परिवार को समय देने के लिहाज से जबीन ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। शादी के बाद 1974 में आई फिल्म वचन उनकी आखिरी फिल्म रही। 2004-2005 में दूरदर्शन के सीरियल हवाएं में एक बार फिर जबीन नजर आई। जबीन जलील इन दिनों मुंबई के वर्ली में अपने पति और बेटे के साथ रहती हैं। पति अशोक काक विक्रोली की एक कंपनी में काम करते हैं और बेटे द्विज ने एक्टिंग को करियर बनाया। अपने 20 साल के फिल्मी करियर में करीब 24 हिंदी और 4 पंजाबी फिल्में करने वाली जबीन को उनकी खूबसूरती और अदाकारी के लिए हमेशा याद किया जाएगा। दिल ने फिर याद किया, मैं आज याद किया जबीन जलील को। अगर आप ये शो सुन रही हों तो हमारे प्रणाम स्वीकार करें। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, उम्र दराज हो, यही दुआ है। थैंक यू वेरी मच। सुनील दत्त बहुत डिसिप्लिन्ड कमिटेड एक्टर, हमेशा सेट पर समय से तैयार होकर आना और कोशिश करना कि कोई बात कोई चीज़ अधूरी ना रह जाए, कम ना पड़ जाए। काम के प्रति उनका यही नजरिया तब भी देखने को मिला जब उन्होंने कई सालों के बाद अपने बेटे संजय दत्त के साथ एक फिल्म में काम किया, मुन्ना भाई MBBS। इस फिल्म के दौरान सुनील दत्त की तबीयत ठीक नहीं रहा करती थी। इसके बावजूद उनके काम करने के तरीके में, समर्पण में, डेडिकेशन में कोई चेंज नहीं आया। वो हमेशा की तरह अपनी स्क्रिप्ट को उर्दू में लिखते और सीन के हिसाब से सबसे पहले तैयार होकर सेट पर आ जाते। मगर एक रोज जब तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी, उनके कंधे में पियर्सिंग पेन उठ रहा था, बहुत जोर का कंधे में दर्द था, और तब उन्हें एक ऐसा सीन करना था जहां अपने दोनों हाथ उठाकर संजय दत्त को गले लगाना होता है। सारी तैयारी के बाद जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला, सुनील दत्त अपनी जगह से हिल नहीं सके। कट हुआ एक बार फिर से, डायरेक्टर ने जब एक्शन कहा तो वही हुआ, सुनील दत्त कुछ कर ही नहीं पाए। तब लोगों को पता लग गया कि दत्त साहब को बहुत दर्द है, दत्त साहब बहुत तकलीफ में हैं। संजय दत्त ने पैकअप करने को कहा, मगर सुनील दत्त ने कहा, थोड़ी देर रुको, थोड़ा रेस्ट करने के बाद दोबारा ये सीन करूंगा मैं। डायरेक्टर ने कहा, आप घर पे जाके आराम कर लीजिए, सीन बाद में शूट कर लेंगे। मगर सुनील दत्त माने नहीं, रेस्ट किया और उसके बाद दोबारा सेट पे पहुंच गए उसी सीन को, उसी शॉट को करने के लिए। और एक्शन के साथ तकलीफ में होने के बावजूद, कंधे के दर्द के बावजूद, उन्होंने वही किया जो सीन की दरकार थी, डिमांड थी। ये था डेडिकेशन और समर्पण सुनील दत्त का अपने काम के प्रति। श्रद्धांजलि दत्त साहब को। दिल्ली के जयप्रकाश जी का सवाल, जिन्होंने हमसे जानना चाहा है कि फिल्म श्री 420 के गीत रमैया वस्तावैया में रमैया वस्तावैया का क्या मतलब है। बताना चाहूंगा कि राज कपूर की फिल्म श्री 420 का म्यूजिक कंपोज किया था शंकर जयकिशन ने। जिस समय ये ट्यून कंपोज की गई उस समय तक बोल नहीं लिखे गए थे, लिरिक्स नहीं लिखे गए थे, कविता नहीं फिट की गई थी। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि फिल्म का सेट सेंट्रल मुंबई की परेल स्थित एक बस्ती में लगा हुआ था। टाइम था मानसून का और राज कपूर इसी मौसम में ये गाना शूट करना चाहते थे, इसलिए राज कपूर ने कहा कि जल्दी से गाना तैयार कर लो। शंकर साहब का काफी समय आंध्र प्रदेश में गुजरा था, उन्हें तेलुगु भाषा का ज्ञान था। जब भी वो राज कपूर को धुन सुनाया करते थे तो उसमें डमी बोल फिट कर दिया करते थे। ऐसा ही उन्होंने इस गीत में भी किया। यहां रमैया वस्तावैया में रमैया एक नाम है, रमैया राम से, रमैया रामा रम, और वस्तावैया का मतलब है विल यू कम, तो इस तरह पूरा मतलब हुआ, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, क्या तुम वापस आओगे रमैया। ये तेलुगु भाषा है, जो हमारे लोग सुनते हैं तेलुगु भाषा जानते हैं वो अच्छी तरह से जानेंगे कि सदाबहार गीत में रमैया वस्तावैया का क्या अर्थ है।
तो इस तरह से ये गाना शैलेंद्र से लिखवाया गया, रमैया वस्तावैया तेलुगु भाषा का भाव है जिसका मतलब है तुम कब आओगे रमैया। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली के जयप्रकाश जी को उत्तर प्रसन्न कर गया होगा। चलता हूँ दोस्तों, आज के सुहाने सफ़र को देता हूँ यहीं विराम। ये कार्यक्रम आप सबके प्रेम के कारण, प्रशंसा के कारण, अप्रिसिएशन के कारण बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, इसलिए कभी कभी बहुत डर लगता है कि कहीं कोई ऐसा दिन आ गया जब आपका मनोरंजन ना कर पाऊं तो बड़ा दुख होगा। पूरी कोशिश रहती है मेरी और हमारी टीम की कि आपका दिल बहला सकें, मनोरंजन कर सकें। फिल्मी दुनिया की कहानियां हैं, इन कहानियों को प्रस्तुत करते हुए हम कुछ गंभीर बातें भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। कहानियों में वो लोग हैं जो छोड़ के चले गए हैं, कहानियाँ उनके बारे में हैं जिनका फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा योगदान है, कहानियाँ उन सितारों के बारे में हैं जिन्होंने आपको रुलाया, हंसाया, आपका दिल बहलाया। ऐसा ही हमारे शो का कॉन्सेप्ट है, सुहाना सफ़र विद अनु कपूर। फिर भेंट होगी आपसे, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अनु कपूर के साथ, इन एसोसिएशन विद LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।